नहीं है, और अकेला मनीष कश्यप को आप गिरफ्तार किए हैं तो मनीष कश्यप से आप पूछ सकते थे, बता सकते थे, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं होते, देशद्रोही है मनीष कश्यप। आप इतना इतना बड़का बड़का नेता है, कितना कितना के केस में चल रहा है तो उसको मतलब जमानत मिल जाता है, मनीष कश्यप को जमानत नहीं मिल रहा है, और नहीं कुछ लगा तो दांते काटने वाला काम शुरू कर दिया बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार। कहीं ना कहीं बिहारियों के साथ अन्याय हो रहा है, और एक दिन एक कहावत है कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो बिहारी कहीं ना कहीं तमिलनाडु में अकेले जाके भारी पड़ने का काम कर रहा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण सफर न्यूज, और हमारे साथ चंपारण सफर न्यूज से मुन्ना शाह जी हैं, और इनसे बात होगा। जैसे कि मनीष कश्यप जो बिहार से हैं, मनीष कश्यप पत्रकार, और उनके ऊपर जो अभी तमिलनाडु पुलिस द्वारा NSA जो धारा लगाया गया है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है मुन्ना जी आपका। धन्यवाद है। मनीष कश्यप के जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके समर्थकों के लिए एक बहुत दुखद खबर है, जो धारा NSA लगा हुआ है। तो हम बता दें कि NSA का मतलब क्या होता है। NSA एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को यानी उस व्यक्ति से अगर खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है। तो सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति से अगर खतरा है तो उसको हिरासत में लिया जा सकता है। तो इसी तरह लगा अगर तमिलनाडु पुलिस को कि मनीष कश्यप से खतरा है तो उसको अगर कोई मतलब धारा नहीं मिला तो उनके ऊपर एक देशद्रोह का धारा जैसे आता है NSA, तो देशद्रोह का धारा लगाने के काम किया। जैसे हम लोग देहाती कहावत में एक कहावत है कि ना जितब तो दाँते कटी हो, मनीष कश्यप के ऊपर अगर कोई मतलब केस या कोई ऐसा साक्ष्य वीडियो नहीं मिला जैसे बिहार पुलिस को भी और तमिलनाडु पुलिस को भी ताकि कोर्ट में पेश कर सके, तो उनको राजनीतिक माहौल के तहत मनीष कश्यप को फंसाया गया है, ऐसा केस में फंसाया गया है कि बबुआ तू कम से कम 3-3 महीना के बाद माने ये ऐसा एक धारा को कि 3 महीना आप बिना किसी मतलब गुनाह के बिना किसी जुर्म के आपको प्रशासन 3 महीना रखेगी। उसके बाद भी अगर प्रशासन चाहती है, तमिलनाडु पुलिस चाहती है कि नहीं अभी शौक है कि मनीष का सबसे खतरा है तो मनीष का सबको 3 महीना और रखेगी। यानी कुल मिलाकर वकीलों की जो राय हम लोग वीडियो में देखे हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि मनीष का सबको कम से कम 1 साल तक बिना किसी जुर्म और बिना किसी साक्ष के ऊपर रखा जाता है। कहीं ना कहीं अन्याय है। एक बात और बोलेंगे सर, जैसे कि बिहार पुलिस द्वारा उनको सबसे पहले बिहार पुलिस द्वारा उनको अरेस्ट किया गया, तो ये जो NSA जो लगा है बिहार पुलिस भी लगा सकती है ना। बिहार पुलिस न लगा के बिहार के बिहारी है ना, सन ऑफ बिहार, अपने आप को बताते हैं मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार और बिहार के हैं। ये कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के सांसद पूरे बिहार वासियों का जो है इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अपमान कहिए, बिहार बिहारियों के साथ अपमान। अगर NSA ही लगाना है तो आप मनीष कश्यप को बिहार में रहते हुए बिहार के जेल में भी रख सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं जान का खतरा है तबे जाके तमिलनाडु में। आप बताइए बस वाले में जो पूछा जाता था, जो वीडियो आया है कि हिंदी है या तमिल, तो वो बोलता है कि नहीं हम हिंदी है, तो उसे ऐसा खतरा है। आज जेल में जहां मन सैकड़ों लोग जहां हो और तमिल के संख्या में हो, एक बिहारी वहां पे क्या कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कमजोर बिहार सरकार दिखाई दे रहा है मनीष कश्यप के लिए, ताकि बिहार में आप में बिहार सरकार में अगर दम है तो मनीष कश्यप को रखना ही है तो बिहार के जेल में रखिए, तो मानेंगे कि आप में बिहार में है। आप अपने मतलब चैलेंज को और एक भावना के भाव मतलब गलत भावना मनीष कश्यप के ऊपर, मनीष कश्यप यही ना कहा है सरकार को कि हम जेल जाएंगे तो 180 दिन के ऊपर सरकार गिरा देंगे, तो बिहार में रखिए ना मनीष कश्यप को, ऐसा ही आपका सरकार गिरने वाला है। एक ही और हम वीडियो सर देखे थे जिसमें तमिलनाडु पुलिस आया था बिहार मनीष कश्यप को ले जाने के लिए, उसमें वहाँ से जो लेडीज जो आई थी वहाँ से पुलिस तमिलनाडु पुलिस, उसमें बोल रही है जिसे जो भी पत्रकार हैं वहाँ पे वो हिंदी इंग्लिश में ही सवाल किए थे, तो उस क्या बोल रही है वहाँ से जो तमिलनाडु पुलिस, आई डोंट नो हिंदी, हमको हिंदी नहीं आती, हमें इंग्लिश है। अब आप समझ सकते हैं कि जो तमिलनाडु जो पुलिस है IPS रैंक की जो अधिकारी है उसको हिंदी नहीं आता है, और बिहारी को ले जाकर तमिलनाडु पुलिस जो है अपने प्रशासन जो है वहाँ कैद करके रखा है।
तो खुद उसको तो जिसको हिंदी बोलने नहीं आता हो नहीं आता है, खुद यहाँ से जो है सन ऑफ बिहार जो मनीष कश्यप है वो तो हिंदी वाला है, वहाँ पे उसको कितना टॉर्चर किया जाता होगा क्योंकि ये तो हिंदी में बात करेगा। सबसे बड़ी बात है सरवन जी कि रिमांड बिहार पुलिस भी ली, तमिलनाडु भी पुलिस ली, आखिर साक्ष्य कैसा है कि मनीष कश्यप का साक्ष्य आप सामने नहीं कर पा रहे हैं? क्या चीज़ है मनीष कश्यप, कोई ऐसा चीज तो नहीं है? अकेले मनीष कश्यप को आप गिरफ्तार किए हैं तो मनीष कश्यप से आप पूछ सकते थे, बता सकते थे, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं होते, देशद्रोही है मनीष कश्यप। आप इतना बड़का बड़का नेता है, कितना के केस में चल रहा है तो उसको जो मतलब जमानत मिल जाता है, मनीष कश्यप को जमानत नहीं मिल रहा, और नहीं कुछ लगा तो दांते काटने वाला काम शुरू कर दिया बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार। कहीं ना कहीं बिहारियों के साथ अन्याय हो रहा है, और एक दिन एक कहावत है कि एक बिहारी सौ पे भारी, तो बिहारी कहीं ना कहीं तमिलनाडु में अकेले जाके भारी पड़ने का काम कर रहा है। तो आप अगर मनीष कश्यप के समर्थन में है तो आवाज़ उठाइए और दिखाइए कि मनीष कश्यप सही है या गलत है। अगर मनीष कश्यप वास्तव में गलत है, हम मानते हैं कि मनीष कश्यप गलत है, तो उसको बिहार के जेल में लाया जाए और बिहार के जेल में उसका मुकदमा चलाया जाए। एक आदमी के ऊपर 30-30 FIR होना कौन ऐसा बड़ा जुर्म है? एक आदमी के ऊपर एक FIR होता है, एक राज्य में एक FIR हो गया। कोई आता है मनीष कश्यप के ऊपर FIR करके चला गया, कोई आता है FIR करके चला गया। एक व्यक्ति के ऊपर एक पत्रकार, एक यूट्यूबर होने के नाते मैं बता रहा हूँ, यूट्यूबर, एक यूट्यूबर तमिलनाडु पुलिस के ऊपर भारी पड़ सकता है, बिहार पुलिस के ऊपर भारी पड़ सकता है। तो जिस दिन बाहर निकलेगा उस दिन समझिए कि आपके ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है। अगर मनीष कश्यप का वीडियो देख रहे हैं, समर्थन में है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय चंपारण।